सो हेलो व्यूवर्स, ई टेट्रा गैजेट्स के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, 2000 रुपीज़ का बजट एक ऐसा बजट है जो कि हर एक गेमर के लिए एक बजट प्राइस है कीबोर्ड एंड माउसेस के लिए। अगर आप कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो लेना चाहते हो 2000 रुपये के अंदर, तो देखने को तो आपको काफ़ी सारे कॉम्बोज देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा हम सेलेक्ट करें ये ही सबकी क्वेरी रहती है। तो इसी के चलते मैंने ये वीडियो बनाया है। यहाँ पर मैं आपको 5 बेस्ट कॉम्बोज बता रहा हूँ जो कि एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ में काफी अच्छी इनकी बिल्ड क्वालिटी है, कुछ फंक्शनिंग है जिनमें काफी ज्यादा अच्छे फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो पांचों कॉम्बोज है ऑलमोस्ट 800 से लेके 2000 रुपीस तक आपको देखने को मिल जाते हैं अमेजोन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखना और इनमें से अगर कोई सा भी कॉम्बो आपको परचेस करना है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जल्दी से परचेस कर लेना। सो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 ANT eSport KM540। ये जो ANT eSport की तरफ से आपको गेमिंग कॉम्बो देखने को मिलेगा कीबोर्ड और माउस का, ये लिटरली काफी कमाल है। यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है पूरा एल्यूमिनियम एलॉय के साथ में आता है, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है और साथ में स्प्लैश और कॉफी रेजिस्टेंस भी आता है। लाइक आप कॉफी पीते हो या फिर पानी पीते हो और वो फैल जाता है कीबोर्ड पे, तो उस चीज को ये अवॉइड करता है। अगर फैल भी जाता है तो अंदर तक नहीं जाने वाला। पूरे कीबोर्ड पे आपको RGB लाइट देखने को मिल जाती है बटन्स के नीचे, जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ाती है। और यहाँ पे थकान ना हो आपको, इसलिए यहाँ पर रिस्ट पैड ऑलरेडी दिया गया है जिस पर आप अपना हाथ रख के आराम से गेमिंग कर सकते हो बिना किसी इशू के। बाकी बात करूँ यहाँ पे कुछ माउस की, तो यहाँ पे आपको 4 एडजस्टेबल DPIs मिल जाती है माउस के अंदर। यहाँ पे 800, 1600, 2400 और 3200 DPI तक आप इसको सेट कर सकते हो बटन्स में, डिफरेंट नीड्स के हिसाब से किस नीड में आपको क्या चाहिए। माउस के अंदर आपको 7 प्रोग्रामेबल बटन्स मिल जाते हैं, ये एक कमाल की बात है। तो यार ये कॉम्बो काफ़ी कमाल है। अगर आप लोगों को 1860 रुपीज़ में कोई कॉम्बो लेना था, डायरेक्टली जाके परचेस कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। नंबर 2 कॉस्मिक बाइट डार्क मैटर गेमिंग कीबोर्ड। गाइस, नंबर 2 पर आता है कॉस्मिक बाइट की तरफ से ये वाला कॉम्बो, जो कि आपको वेनम कलर या फिर मैं कहूँ वेनम का जो एक कलर सा होता है उस वाले कलर की RGB में मिलता है। काफ़ी अच्छा लुक देता है आपके गेमिंग सेटअप को। कमाल की बात यह है कि कीबोर्ड और माउस दोनों में ही जो RGB आपको देखने को मिलती है वो सेम कलर में देखने को मिलती है, जो कि आपके गेमिंग सेटअप को क्वाइटली चेंज कर देती है। यहाँ पे जो कीबोर्ड का डिज़ाइन है वो एर्गोनॉमिक डिज़ाइन में आपको देखने को मिलता है। बैकलाइट कीबोर्ड है, RGB कीबोर्ड नहीं है, यहाँ पे आपको बैकलाइट मिलती है। और जो माउस आपको देखने को मिल जाता है वो 2400 DPI तक है, ये एक 5 बटन माउस है। सो गाइज, ये कॉम्बो भी अच्छा है। 1500 रुपये के अंदर अगर आप कोई कॉम्बो लेना चाहते हो इसको भी ले सकते हो, नहीं तो बाकी और भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कॉस्मिक वाइट की तरफ से कोई कीबोर्ड लेना है 2000 रुपये के अंदर कीबोर्ड माउस का सेटअप, तो इसको आप देख सकते हो। नंबर 3 HP KM300F। गाइज, HP का ये जो कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो आपको देखने को मिलेगा गेमिंग सीरीज में, काफ़ी अच्छा कॉम्बो मिल जाता है। यहाँ पे जो लुक आता है इस गेमिंग कीबोर्ड का एकदम प्रीमियम लुक में आता है। पतला सा कीबोर्ड है, अगर आपको आपके पास डेस्क पे जगह काफ़ी कम है तो आप इस कीबोर्ड के साथ में जाना। यहाँ पर वही RGB लाइटनिंग दी गई है बटन्स के नीचे, बाकी जो माउस है वो भी आपको गेमिंग टाइप का ही देखने को मिल जाता है। और कीबोर्ड का जो पैनल है वो भी मेटल का है, बिल्कुल एल्यूमिनियम और उसकी तरह, तो काफ़ी ड्यूरेबल है। अगर आपको प्रीमियम कीबोर्ड चाहिए तो आप ये ले सकते हो HP की तरफ से। बाकी जो माउस है वो भी 5 बटन माउस है, वो भी एक गेमिंग माउस आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी DPI को आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको DPI चाहिए। जो आपका माउस है उसको भी आप स्विच कर सकते हो ऑफिस वर्क और गेमिंग वर्क के हिसाब से, वहाँ पर भी एक अलग से एक बटन दिया गया है। तो ये कॉम्बो भी काफ़ी बेस्ट है, 1658 रुपीज़ के अंदर HP की तरफ से आता है, काफ़ी कमाल कॉम्बो आपको देखने को मिलता है। नंबर 4 जेब्रोनिक्स ट्रांसफॉर्मर। गाइस, जेब्रोनिक्स का ये जो कीबोर्ड माउस का कॉम्बो आपको देखने को मिलता है ना, 800 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक देखने को मिलता है। कोई फिक्स प्राइस नहीं है, फिलहाल इसका प्राइस 1300 रुपये। अगर आप 1300 रुपये में भी आपको ये मिल रहा है तो ले लो यार, इसका जो प्राइस है 1800 तक चला जाता है। और लिटरली मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने इसको 1500, 1600, 1800 रुपये में भी लिया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा आपको कीबोर्ड माउस कॉम्बो मिल जाता है। यहाँ पे जो कीबोर्ड है उसमें जो लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है वो मल्टी कलर लाइट्स हैं, 4 मोड्स में चलती हैं।
जिनमें से एक मोड ऑफ वाला है और तीन मोड्स इसमें ऑलरेडी दिए गए हैं। इंटीग्रेटेड मीडिया विंडोज की डिसेबल अनेबल फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा टू स्टेप्स स्टैंड डिजाइन है और ये जो कीबोर्ड है एल्यूमिनियम बॉडी के साथ में आपको देखने को मिलता है, ये इसकी कमाल बात है। और छोटा सा रिस्ट पैड भी है, यानी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी जो माउस है वो भी सिक्स बटन वाला माउस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसकी इनिशियली जो प्राइस है इस माउस की वही 400 या 500 रुपए है अगर आप अलग से इस माउस को खरीदते हो तब। तो 1300 रुपए के अंदर काफी बेस्ट डील है, बिल्कुल भी छोड़ना मत, आप आराम से इसको खरीद सकते हो। नंबर 5 ANT eSport KM 500W। गाइज अगेन ये भी एक बैकलाइट एलईडी कीबोर्ड है। इसमें जो लाइटनिंग है वो आरजीबी नहीं है, बैकलाइट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसकी जो लाइटनिंग है वो चेंज नहीं हो सकती, जैसी जलती है वैसी ही जलेगी। बाकी एएनटी की तरफ से एक बजट में काफ़ी अच्छा कीबोर्ड माउस कॉम्बो है जो कि आपको ऑलमोस्ट 1300 रुपये में देखने को मिल जाता है। माउस में अगेन आपको 4 एडजस्टेबल DPIs दी गई हैं जहाँ पे आप 800 से लेके 3200 तक इसको चेंज कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। एंड अगेन इसमें आपको एक रिस्ट पैड देखने को मिल जाता है बड़ा सा कीबोर्ड के अंदर। एल्यूमिनियम बिल्ड तो आपको देखने को मिलता है, बिल्ड प्लास्टिक में है, लेकिन ठीक ठाक आपको गेमिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा इस वाले गेमिंग कॉम्बो में। माउस भी आपको वही 7 बटन्स वाला देखने को मिल जाता है। सो ये वाला कॉम्बो भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोग 1300 रुपये के अंदर लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा जैपोनिक्स वाला ले लो, वहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी मिल जाती है इस वाले से। बाकी अगर आपको रिस्ट पैड चाहिए तो फिर आप इस वाले को ही लेना, ANT eSport की तरफ से 1300 रुपये में काफ़ी अच्छा गेमिंग कॉम्बो आपको देखने को मिलता है। वेल गाइस कैसी लगी ये वीडियो, ये एक डिफरेंट वीडियो थी। गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस अभी तक मैंने आपको कभी बताए नहीं थे, तो ये थोड़ी डिफरेंट वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, और नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना इनमें से कौन सा कीबोर्ड या माउस आप लेने वाले हो। सभी की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, जाकर आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। ये कोई एक या आखिरी वीडियो नहीं थी, ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस और आने वाली है कॉन्सोल्स के ऊपर, गेमिंग के ऊपर, मतलब गेमिंग कंपोनेंट्स के ऊपर काफी वीडियोस मैं और डालने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। चलिए गाइज मिलेंगे आपसे जल्दी ही किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।